नमस्कार दोस्तों, अब 21 अगस्त को भारत बंद के फैसले का भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया समर्थन। 21 अगस्त को नहीं होगा भारत बंद। जी हां मित्रों, आप सभी को पता होगा कि जैसे ही 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया और राज्य सरकारों को SC ST के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण का अनुमति दी, इसके बाद तुरंत ही भीम सेना संगठन के जो प्रमुख हैं नवाब सतपाल तंबर के द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान कर दिया गया। इस तरीके का उन्होंने अचानक ऐलान किया जिससे काफ़ी ज़्यादा बहुजन चिंतक हों या बहुजन राजनेता हों वो सहमत नहीं थे। सिर्फ नवाब सतपाल तंबर के द्वारा ही 21 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है रिजर्वेशन पर उसके विरोध में भारत बंद करने का सतपाल तंबर के द्वारा आह्वान किया गया। लेकिन अब इस पर चंद्रशेखर आजाद की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2018 में 2 अप्रैल को SC ST के जो SC ST एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब भी जो है 2 अप्रैल को एक भारत बंद किया गया था जिसमें 14 लोगों की आपको बता दें कि शहादत हुई थी, यानी कि बहुजन समाज के 14 लोग बलिदान हो गए थे। अब इस तरीके की कोई भी घटना ना घटे और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी वापस हो जाए और किसी की जान भी ना जाए, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम एक मजबूत रणनीति के तहत अब भारत बंद करेंगे या कोई भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने 21 अगस्त के भारत बंद वाले आह्वान पर कहा है, सुनिए। अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी है अभी तक, क्योंकि हम लोग उसकी उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे, ये कितने लोगों पर मुकदमा हुआ, कितने लोग जेल गए, हमारे 14 नौजवान जो हैं जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज की सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, एक एक सब एक एक विषय इंपोर्टेंट है, तो अभी उस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया के साथियों को भी कहूंगा, ये रंगमंच नहीं है, ये आने वाले भविष्य का फैसला, ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और सब खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा, तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा, मुझसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछा जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को पहले नोटिस करें, फिर उसकी संवेदना को समझे, उसकी स्थिति को समझे और फिर फैसले लें। अभी इस पे हम लोग 3-4 दिन में, मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भी पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है, हम लोग जल्द इस पे एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे, इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाने का। हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि एक मजबूत रणनीति के तहत ही हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सड़क पर उतर कर करेंगे, ऐसे अचानक से कोई फैसला नहीं ले सकते और 21 अगस्त को भारत बंद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो हमारे सहयोगी राजनीतिक दल के सांसद हैं उनकी एक बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है और उन तमाम सांसदों और नेताओं के साथ मजबूत रणनीति के तहत ही जो है जो SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ BSP सुप्रियो मायावती भी आपको बता दें कि लगातार इसका विरोध कर रही हैं और बहन जी ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने जो अभी हाल ही में आपको बता दें कि SC ST के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात की, तो सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि इस पर सरकार फैसला लेगी। तो बहन जी का साफ कहना है कि जल्द ही सरकार फैसला ले और संविधान संशोधन बिल संसद में लाए और इस फैसले को वापस किया जाए और ऐसा बिल लाया जाए जिससे कि कभी भी SC ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सके। बहन जी लगातार विरोध कर रही हैं और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एक बड़ी रणनीति और मजबूत रणनीति के बाद ही हम जो है सड़कों पर इस फैसले का विरोध करेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कॉमेंट करें।